a dot ES6 object. ठीक है जी, ES6 object. अच्छा, अब ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि हमने जैसे ये एरे बनाया था ना लास्ट, इसमें हम क्या रखते थे जी, 23 कॉमा और एक दूसरी वैल्यू और एक कॉमा तीसरी वैल्यू. ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसी तरह की चीज़ होती है, लेकिन उसमें ये वैल्यूज़ जो होती है ना, इसमें जो सीक्वेंस है कि 0, 1, 2, ये सीक्वेंस की बात है कि सीक्वेंस के हिसाब से वैल्यू को इसमें स्टोर किया जाता है. ऑब्जेक्ट में जो है ये वैल्यूज़ होती हैं, नेम्ड वैल्यूज़ होती हैं, सीक्वेंस पे मैटर नहीं करता वो. अच्छा, तो कैसे होगा? मैंने कहा कि यार स्टूडेंट वन, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने कहा इक्वल्स टू, एरे में हम बनाते थे स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें बनाएंगे कर्ली ब्रेसेस. ठीक है, कर्ली ब्रेसेस बना के मैंने और यहाँ पे लिखा सबसे पहले मिसाल के तौर पे कि भाई फर्स्ट नेम, ठीक है, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम इक्वल्स इंजमाम, सही है, लास्ट नेम इक्वल्स मलिक और सब्जेक्ट साइंस, राइट. अब मैंने क्या किया, ये तीन वैल्यूज लिखी हैं. अच्छा, यही चीज़ अगर मैं एरे में लिखता तो मैं किस तरह लिखता? डेटा स्टोर हो जाता तीनों, मैं इस तरह लिखता अगर एरे में लिखता तो, राइट. अच्छा, तो वही चीज़ मैंने अब ऑब्जेक्ट में लिखी है, तो एरे को हम यहाँ से हटा देते हैं. अच्छा, एरे में क्या होता था कि अगर मुझे फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना होता तो मैं ज़ीरो लगाता था यहाँ, ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले को वन, फिर टू, फिर थ्री और फिर सो ऑन. तो अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लगाते हैं कॉन्सोल डॉट लॉग, लिखता हूँ मैं पहले, उसमें मैं कहता हूँ स्टूडेंट वन, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का नाम. ये ऑब्जेक्ट का जो नाम है ये मेरी मर्ज़ी का नाम है, तो ऑब्जेक्ट का नाम मैंने मेंशन किया यहाँ पे, और वो करने के बाद इस पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं एरे पे लगाता था. लेकिन अब की बार मैं क्या लिखूँगा, इसकी की का नाम लिखूँगा मैं, फर्स्ट नेम. मैंने कहा स्टूडेंट वन के अंदर जाओ और उसके अंदर जो फर्स्ट नेम होता है ना वो ले आओ, ठीक है. तो ये क्या कर देगा, स्टूडेंट वन के अंदर जो फर्स्ट नेम को प्रिंट कर देगा, फर्स्ट नेम की वैल्यू को प्रिंट कर देगा. अच्छा, इसी तरह अगर मुझे लास्ट नेम को प्रिंट कराना हो तो मैं लास्ट नेम लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है. इसी तरह अगर मुझे सब्जेक्ट को प्रिंट कराना हो तो मैं सब्जेक्ट लिख दूंगा. अच्छा, अगर मुझे पूरा स्टूडेंट वन प्रिंट कराना हो तो पूरा स्टूडेंट वन भी प्रिंट कर देगा ये, उसके लिए मुझे साथ में कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. ये मैंने पूरे स्टूडेंट वन को अलग से प्रिंट कराया और अलहदा अलहदा भी तीनों को प्रिंट करा लिया. अच्छा, ये एरे वाली चीज़ हम हटा देते हैं, ये जो हमने पहले किया था, ठीक है. तो अभी इतना कोड. तो इस कोड में हमने क्या सीख लिया, एक ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया, नंबर एक चीज़, उसको प्रिंट कराना सीख लिया और उसकी वैल्यूज़ को अलग अलग प्रिंट कराना भी सीख लिया. चला के देख लेते हैं इतने कोड को ज़रा. अच्छा, नीचे वाला कोड ज़रा मैं कॉमेंट कर दूँ ताकि ये एरर ना प्रोड्यूस करे. इसको मैंने कहा कि कॉपी पाथ, ठीक है. इतना कोड है जो अभी हम इसको चला के देखने जा रहे हैं. इसमें टोटल चार कॉन्सोल आने चाहिए. ठीक है जी, तो टोटल ये चार कॉन्सोल आए हैं. सबसे पहला कॉन्सोल जो आया है मेरे पास वो लाइन नंबर 21 से आया है, ठीक है. यहाँ पे देखें, मेंशन किया हुआ है लाइन नंबर 21 से आया है और उसमें ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा प्रिंट हो रहा है, जैसे एरे पूरा का पूरा प्रिंट होता था. उसके बाद लाइन नंबर 23 से इंजमाम, लाइन नंबर 24 से मलिक और लाइन नंबर 25 से साइंस, ये तीनों चीज़ें अलग अलग प्रिंट हो गई हैं. अच्छा, ये सब लोगों को समझ आया, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? हाँ, इस काम को करने का ओरिजिनली तो यही तरीका है, लेकिन इसमें डॉट नोटेशन करके भी एक तरीका मौजूद है, वो हम देख लेते हैं. इसमें एक अल्टरनेटिव तरीका है, दैट इज़ कॉल्ड डॉट नोटेशन. ठीक है,
ठीक है, इन्हीं तीनों को मैं क्या कर सकता था, डॉट लगा के भी कर सकता था। लेकिन डॉट नोटेशन के अंदर मसला ये है कि कुछ जगहों पे ना ये काम नहीं करता, सही है, ये वाला जो तरीका ये हर जगह काम कर जाता है, डॉट नोटेशन हर जगह काम नहीं करता। हाँ, लेकिन जस्ट आपने अगर प्रिंट करवाना है तो डॉट नोटेशन इज़ गुड इनफ। ठीक है, अब वो कौन सी जगह है जहाँ पे काम नहीं करता डॉट नोटेशन, कोई मुझे बता पाएगा आप में से जिसने जावास्क्रिप्ट पहले से पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत? कोई आइडिया है कि कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पे डॉट नोटेशन काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा? अच्छा चले, हम इंशाल्लाह आएगा ये सिचुएशन आ जाएगी बहुत जल्द हमारे पास कि जहाँ पे हमें जो है ना डॉट नोटेशन हमारा काम नहीं करेगा। वेल, इस तरह भी फ़िलहाल ये प्रिंट कराने से ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, रिफ़्रेश किया मैंने, ये तीन दफ़ा प्रिंट हुआ, ये तीन दफ़ा प्रिंट हुआ, दोनों पे बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन डॉट नोटेशन को हम फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, तो हमने इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना बनाना सीख लिया, उसको अलग अलग उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना सीख लिया। अब बारी है कि इसकी वैल्यू को चेंज करने की बारी है। अच्छा, चेंज करने के लिए बिल्कुल इसी तरह जैसे एरे को हम चेंज करते थे, मैंने कहा स्टूडेंट के अंदर जाओ और जो फर्स्ट नेम है उसका वो चेंज कर दो आप, ठीक है, इक्वल्स टू उसको कर दो मोहम्मद। ठीक है, तो एरे को इसी तरह एरे में हम क्या लिखते थे, एरे में हम कहते थे यार इसके ज़ीरो इंडेक्स पे जाके चेंज कर दो। लेकिन अब इसमें हम क्या लिखते हैं, अब इसमें हम इसकी की का नाम लिखते हैं। ठीक है, की के नाम से अब इसको, अब इसमें मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता कि ये फर्स्ट नाम ये नीचे लिखा हो, सही है, ये कॉमा मिस हो गया एक्चुअली। ठीक है, मैटर नहीं करता कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट नेम पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम पहले लिखा हुआ है, ये मैटर नहीं करता कि किस तरह लिखा हुआ है, किस सीक्वेंस में लिखा हुआ है। यहाँ पे ये उसी तरह चलेगा जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि ये सीक्वेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये नेम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैंने अगर पहले फर्स्ट नेम को यहाँ पे कॉल किया तो फर्स्ट नेम पहले आएगा। एरे में ऑन अदर एंड ऐसा नहीं था, एरे में ये था कि अगर सीक्वेंस आप चेंज करते थे तो जीरो इंडेक्स में फिर आपको दूसरा मिलना शुरू हो जाएगा, अगर आपने जो जीरो पे लिखा हुआ वही जीरो पे मिलेगा। अगर वो सीक्वेंस चेंज हुआ या आपने नई वैल्यू ऐड की है, दरमियान से कोई चीज़ उड़ाई, तो वो सीक्वेंस चेंज हो जाता है। सर यही फर्क है इसका। हाँ, अच्छा देखें, अभी तो फ़र्क का चक्कर नहीं है, अभी तो ये है कि ये एक टूल है जिससे आपका इंट्रोडक्शन हुआ। अभी ये कहाँ यूज़ होगा, एरे कहाँ यूज़ होगा, अभी हमने ये बात डिस्कस नहीं की है अभी तक। ये इंशाल्लाह हमारे पास सिचुएशन आएगी तो हमें ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन बोलेगा कि ये यूज़ करो इसकी जगह। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई स्टूडेंट वन का जो फर्स्ट नेम के नाम से जो की है उसको क्या कर दो आप, उसको आप मोहम्मद कर दो, सही है। अच्छा, अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा ना तीनों को, तो आप देखेंगे कि बाकी की दो वैल्यू तो वही है लेकिन फर्स्ट नेम जो है वो चेंज हो चुका होगा। ठीक है, तो पहले जो तीन प्रिंट आए थे उसमें फर्स्ट नेम इंजमाम था और जो दूसरे वाले प्रिंट आए उसमें फर्स्ट नेम अब मोहम्मद हो चुका है, सही है। तो हमने यहाँ पे इसको मॉडिफाई करना भी सीख लिया। ठीक है, बाय द वे जितने भी मुसलमान होते हैं वो सारे मुसलमान अपना फ़र्स्ट नेम जो है वो मोहम्मद रखना पसंद करते हैं, और मुसलमान वालदैन जो होते हैं वो भी अपने बच्चों का जो फ़र्स्ट नेम है वो मोहम्मद रखते हैं। हमारे यहाँ पिछले दिनों कुछ इस तरह की बातें चलना शुरू हो गई थी कि भाई सिर्फ मोहम्मद तो नाम नहीं रख सकते, और इस तरह की उल्टी बातें शुरू कर दी थी। लेकिन जो है सऊदी अरब में भी, और यानी मैं अगर किसी सऊदी को या किसी तुर्की उर्की बंदे को अपना नाम बताता हूँ ना मोहम्मद इंजमाम मलिक, तो वो फिर मुझे मोहम्मद कॉल करता है, फिर वो इंजमाम कॉल नहीं करता वो, क्योंकि उनके उनका उनको ये फतूर नहीं डाला ना किसी ने जहन में अभी तक उनके, उनको पता है कि हाँ नहीं मोहम्मद हो सकता है ना। मोहम्मद बिन कासिम का फ़र्स्ट नेम मोहम्मद था, और एक मेम्बर से मैंने हदीस सुनी थी आप सल्लम की कि अगर किसी शख्स को तीन बेटे दिए अल्लाह ताला ने तो उसको चाहिए कि वो एटलीस्ट एक का नाम जो है ना फ़र्स्ट नेम मोहम्मद रखे। तो इस तरह की एक हदीस भी मैंने मेंबर से सुनी है। तो मेरा भी जो फ़र्स्ट नेम है वो मोहम्मद है एक्चुअली। अच्छा, तो पहले क्या कहते हैं, मैं समझता था कि मेरा नाम शायद इंजमाम है, लेकिन अच्छा ही होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये वाली जब बात चली तो मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि अच्छा मेरा नाम भी मेरे अम्मा अब्बा ने अजाने अनजाने में, लेकिन मेरा फ़र्स्ट नाम मोहम्मद रखा गया है। ठीक है, तो मोहम्मद इंजमाम मलिक, तो मोहम्मद इंजमाम इज़ माई फ़र्स्ट नेम, और शायद मलिक को हम लास्ट नेम कह सकते हैं। वेल, तो इसको हमने मॉडिफाई करना सीख लिया। अच्छा, अब सवाल ये है कि जी एरे के अंदर तो हम स्ट्रिंग भी रख लेते थे, नंबर भी रख लेते थे, और बूलियन भी रख लेते थे, और एक और एरे भी रख लेते थे। तो उसका जवाब ये है कि इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, एरे भी रख सकते हैं
मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट के अगेंस्ट में क्या रख देता हूँ, इसमें एरे रख देता हूँ। मैंने कहा भाई सब्जेक्ट्स जो है ना वो मेरे क्या है, साइंस है एक्चुअली, इसको मुझे कोटेशन में लिखना चाहिए, साइंस है, हिस्ट्री है, ठीक है, और कुछ भी एक और लिख देते हैं इसमें, हाँ आर्ट्स। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर भी रखवा सकता हूँ। मैंने कहा कि एज जो है जी 30 है, फर्स्ट नेम स्ट्रिंग, एज नंबर, इसके अगेंस्ट मैंने एरे रख दिया है, और इसके यानी जो तमाम वैल्यूज़ जो मैं सोच सकता हूँ ना, जो भी वेरिएबल्स हैं वो सारे इसके अंदर भी हो सकते हैं। तो एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता बूलियन इज एक्टिव, ट्रू, सही है, इज एक्टिव ट्रू, बूलियन भी रख दिया मैंने। आप इमेजिन कर लें कि डेटाबेस के अंदर ये यूज़र है मेरे पास, एक यूज़र साइन अप हुआ है वो डेटाबेस में, तो क्या वो यूज़र एक्टिव है इस वक्त, तो यस ट्रू है। ये तमाम डेटाबेसेस में जब आप फेसबुक पे साइन अप करते हैं ना, तो आपका जो ऑब्जेक्ट बनता है डेटाबेस में, तो उसमें इज एक्टिव की एक की मौजूद होती है कि यूज़र अभी एक्टिव है कि नहीं है, इसको लॉग इन करने देना है कि नहीं करने देना, तो इज़ एक्टिव ट्रू फिलहाल, कभी फॉल्स भी हो सकता है ये किसी वजह से, ठीक है। अच्छा तो हमने क्या देख लिया, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे और एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि यार एक ऐसी कोई प्रॉपर्टी बताओ जो एड्रेस कांटेक्ट, ठीक है। अच्छा ये मैं फैब्रिकेटेड डेटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही फैब्रिकेटेड किस्म का है। रियल जैसे कॉन्टैक्ट के अंदर तो रियल में क्या होता है, एड्रेस, फ़ोन नंबर तीनों अलग अलग होते हैं, लेकिन मैंने क्या कॉन्टैक्ट का एक ऐसे बना के, और जो है ना उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कि जी फ़ोन, ठीक है, फ़ोन में मैंने कहा कि 0032200480, ठीक है, और ईमेल, तो ये आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, ये पूरा के पूरा एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसको हम ये भी हम जस्ट टू मेक इट सिंपल इसको मैं हटा देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट के अंदर वो तमाम चीज़ें हो सकती हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। अच्छा एरे में भी हमने देखा था क्या हो सकता है, एक और एरे भी हो सकता है और एरे में भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा एरे और ऑब्जेक्ट ये दोनों, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव डेटा टाइप, सही है, कि इसमें कलेक्शन होती है, मतलब एक से ज़्यादा डेटा टाइप को इकट्ठा किया जाता है, तो जो जो कुछ एरे में आ सकता है वही वही कुछ ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। तो ये दोनों कलेक्टिव डेटा टाइप है, इनमें डिफरेंस ये है कि एक में सीक्वेंस पे वैल्यू होती है, एक में नेम्ड वैल्यूज होती हैं, ये मेजर अब समझ लें डिफरेंस है। लेकिन जो जो वैल्यू यहाँ आ सकती है वही वही एरे में भी आ सकती है, और जो जो एरे में आ सकती है वही वही यहाँ पर भी आ सकती है। जी क्लास को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, क्लास जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं डेटा टाइप, जो वो वाला ऑब्जेक्ट होता है ना जो क्लास से बनता है, वो तो इंस्टेंस उसको कहते हैं, फिर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक वे ऑफ प्रोग्रामिंग है, वो दूसरी मुख्तलिफ चीज़ है बिल्कुल। वो इंशाल्लाह वो हम डिस्कस नहीं करेंगे इस कोर्स में, ठीक है, क्यों उसकी ज़रूरत हमें इस वजह से नहीं है। चलो बात छेड़ दी, अभी तो डिटेल में क्लियर कर देता हूँ कि क्यों नहीं पढ़ेंगे हम। देखो जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग पैराडियम्स होते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग पैराडियम का क्या मतलब है कि प्रोग्राम कोई भी जब आप बनाते हैं ना, तो उसको लिखने का अंदाज़, उसको लिखने का अंदाज़, जैसे अरबी लिखते हैं तो वो लिखते हैं हम राइट साइड से, और इंग्लिश लिखते हैं तो वो लिखते हैं लेफ़्ट साइड से, तो ये एक पैराडियम है ना, एक लिखने का अंदाज़ है। अच्छा तो क्या हम चाहें तो अरबी को भी हम दूसरी तरफ से लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखा नहीं जाता उस तरह से, उसको लिखने का तरीका ये कि सीधे हाथ से लिखो उसको आप, ठीक है, आप ऊपर से नीचे की तरफ लिखना शुरू कर दें तो मना थोड़ी है। लिखा होता है ना जैसे अंग्रेज़ी, वैसे तो लेफ़्ट साइड से होता है कि जी कार रेंटल है तो लेफ़्ट साइड से होगा, लेकिन PSO में वो टॉप टू बॉटम भी लिखा होता है कभी, या पुलिस ऐसा लिखा होता है टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम लिखना शुरू कर दें मना थोड़ी है, लेकिन उस तरह से लिखा नहीं जाता उसको। अच्छा चाइनीज़ ऑन अदर हैंड जो है वो टॉप टू बॉटम लिखा जाता है ना, लेकिन जब मैसेज टाइप करते हैं चाइनीज़ में तो लेफ़्ट टू राइट भी चल जाता है, वो उसके अंदर मतलब एक ही बात है, उसमें इतना फ़र्क नहीं है, समझ रहे। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ना लिखने का पैराडियम होता है,
लिखने का एक अंदाज़ होता है। अब ये अंदाज़ सिर्फ लेफ्ट राइट वाला नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, इस लिखने के अंदाज़ में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो मुख्तलिफ पैराडियम हमने देखे हैं जब से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आगाज़ हुआ है, इंडस्ट्री ने मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग पैराडियम्स देखे हैं, मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने और मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने मुख्तलिफ पैराडियम प्रपोज किए हैं और उनके ऊपर उनको इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम भी लिखा है। अच्छा, उनमें से जो कुछ प्रपोज़ल था वो तो एक्चुअल प्रैक्टिस तक पहुंचा ही नहीं, तो वो तो रेलेवेंट है ही नहीं, उसको तो छोड़ दें, वो तो काफ़ी सारे तादाद में। अच्छा, कुछ जो प्रैक्टिस में पहुंचा है और बड़ा फेमस हुआ है, उसमें से नंबर एक है फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडियम। आप यहाँ पर आ जाऊँगा ना मैं, जो जावास्क्रिप्ट है ना वो मल्टी पैराडियम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी एक से ज़्यादा पैराडियम को सपोर्ट करती है। जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या है, मल्टी पैराडियम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट और भी जो जितने भी अभी लैंग्वेजेस आपके सामने मौजूद हैं, जैसे कि सी शार्प, सी प्लस प्लस और कॉटलिन, स्विफ्ट, जावा, रस्ट, तो इनमें से जो मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना वो मल्टी पैराडियम है, एटलीस्ट दो या तीन पैराडियम्स को वो सपोर्ट करती हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट, अच्छा तो जो पहले जो प्रोग्रामिंग पैराडियम है ना फंक्शनल बड़ा फेमस हुआ, जब सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती थी ना, सी लैंग्वेज यानी 90s में 80s में जब प्रोग्रामिंग होती थी तो सी लैंग्वेज उस वक्त बड़ी पॉपुलर थी, उसमें बहुत प्रोग्राम बनते थे, तो वो फंक्शनल में बनते थे। अच्छा, फिर जो ये सी शार्प वगैरह है और जो जावा जो है, जब ये आई तो इन्होंने ज़्यादा सपोर्ट की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम को, कि नहीं जी इस अंदाज से लिखा जाना चाहिए। तो इस वक्त जो है ना मार्केट डिवाइडेड है, इस वक्त मार्केट डिवाइडेड है, जैसे पेप्सी और कोक का चक्कर है, वो कहता नहीं ये अच्छा है, वो कहता नहीं ये अच्छा है, जैसे एप्पल और आईफोन का चक्कर है, उसका एंड्रॉयड और आईफोन का चक्कर है, कि वो कहते हैं नहीं जी एक कहता है एंड्रॉयड अच्छा है, एक कहता नहीं आईफोन अच्छा है ना, दोनों के पास अपने अपने दलाइल हैं कि अच्छा और बुरा होने के। तो ये इस तरह मार्केट डिवाइडेड है इसके अंदर। अच्छा, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो पैराडियम है ना वो सबसे बेस्ट है और उसके अंदर प्रोग्राम सबसे एफिशिएंट बनते हैं और बिल्कुल सही होता है, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है इसके अंदर, फंक्शनल के अंदर सारे काम इसके अंदर होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जो सी लैंग्वेज पे काम करने वाले लोग थे और ये सारे बाबे हैं, अभी अंकल बाबे सारे ना, वो इसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑन अदर हैंड इसको कौन सपोर्ट करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडियम जो है ना वो स्टिल जस्ट कोड को लिखने का एक अंदाज़ है, जो काम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता है वो फंक्शनल में भी होता है। ठीक है, मेरा भी ऐसा ही मानना है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो जिसको सपोर्ट करते हैं ना जो लोग, वो एंटरप्राइज वाले बड़े इसके पीछे भागते हैं। क्यों? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को इस तरह से सोचा गया है ना कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के परस्पेक्टिव से ना बड़ा अच्छा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन बंदा होता है? ये वो बंदा होता है जो डॉक्यूमेंटेशन करता है, शायद रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है और उसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके हलवा पका के पूरा डिवेलपर के आगे रखता है और डिवेलपर उस डॉक्यूमेंट को देखता है और कोड करता है ढकाढक। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो बंदा होता है। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंडर में टीम्स होती हैं और हर टीम से ज़ाहिर है अलग अलग उसको काम करवाना होता है, एक सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ पार्ट मुख्तलिफ टीम बना रही होती है। तो मॉड्यूलैरिटी का जो एक फैक्टर रहता है ना कि जी अच्छा जी अगर एक स्कूल का एक सिस्टम बन रहा है तो जी अटेंडेंस सिस्टम पर एक दूसरे टीम काम कर रही है और इनवॉइसेस वाले सेक्शन पर एक दूसरी टीम काम कर रही है, तो ये दो अलग अलग मॉड्यूल है, इवेंचुअली इसको मिला के एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना है। तो ये दो मॉड्यूल्स हैं एक्चुअली, जिसको इवेंचुअली मिला के एक पूरा सॉफ्टवेयर बनेगा। जैसे फोटोशॉप के अंदर इतने सारे अंदर सेक्शंस हैं तो वो सारे पे एक बंदा तो नहीं कर रहा होगा, अलग अलग टीम्स होती हैं, उसको बाद में इवेंचुअली मिलाना होता है। तो एंटरप्राइज वाले कहते हैं कि यार इसमें ना हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बड़ी आसानी होती है ये वाले काम करने में, और जो यानी एक तो मॉड्यूलैरिटी की बात हो गई और दूसरा ये कि टास्क वगैरह डिवाइड करना ना ज़रा रियल लाइफ से करीब तरीन है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रियल लाइफ से ज़रा
करीब करीब है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग ऑन अदर एंड क्या है कि वो प्रोसीजरल वे में चलती है कि जी एक एक प्रोसीजर अलग अलग होता है और आपस में एक दूसरे से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन रीयूजबिलिटी बहुत अच्छी होती है उसके अंदर, क्योंकि वो प्रोसीजर्स बने होते हैं वो रीयूजबल होते हैं। क्लासेस आमतौर पर रीयूजबल नहीं होती, क्लासेस में फिर वो एक्सटेंड एक्सटेंड करके वो बहुत लंबी स्टोरी बन जाती है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में फंक्शन एज इट इज़ रीयूजबल होते हैं और वो प्योर होते हैं, तो परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा उनसे मिल रही होती है आपको। वेल, तो ये तो कुछ प्रोज एंड कॉन्स हो गए फंक्शनल के और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। अच्छा, बाकी जो ये इवेंट ड्रिवन है, जैसे इसमें लिखा हुआ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग पैराडाइम, इस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है, सही है ये, इसको सब लोग बोलते हैं कि ठीक है जी, ओके। अच्छा, इम्पेरेटिव, इस पे भी किसी को कोई एतराज़ नहीं है। प्रोसीजरल, इस पे भी किसी को कोई एतराज़ नहीं है। तो आम तौर पे हम जो प्रोग्राम लिख रहे होते हैं एट अ टाइम, उसमें ये एक से ज़्यादा पैराडाइम यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम जो क्लिक करके जो भी काम करवाते हैं, अभी हमने इनपुट एंड आउटपुट में देखा था, क्लिक करके जो काम करवाते हैं, तो ऑन क्लिक या ऑन सबमिट वो इवेंट ड्रिवन में फॉल करता है। अब ये इवेंट क्या चीज़ होती है ये हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत लंबी उसकी स्टोरी है और वो बहुत तसल्ली से समझने वाली चीज़ है, तो इसलिए हम ये इवेंट ड्रिवन को डिस्कस नहीं कर सकते। यही वजह है कि इस कोर्स के प्री रिक्विजिट में जो लिखा हुआ था कि भाई जी वो जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है। तो अगेन मैं इसलिए जावास्क्रिप्ट दोबारा पढ़ा रहा हूँ कि कोई अगर सेम पेज पे नहीं तो वो सेम पेज पे आ जाए, लेकिन इसको डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं जस्ट इन केस, तो जो वेब डेवलपमेंट की मैंने क्लासेस पढ़ाई है ना, बैच 8 और बैच 9 के नाम से प्लेलिस्ट होगी मेरे यूट्यूब पर, उसमें आप जाएंगे तो उसमें एक जगह पर 2 घंटे का लेक्चर होगा कि व्हाट इज़ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट क्या चीज़ होते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं, इवेंट ड्रिवन एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, ये हर लैंग्वेज में होता है, ठीक है। तो वो इवेंट एक्चुअली क्या होते हैं, उसको किस तरह से बिहेव करते हैं, वो पूरी उसकी जो लंबी स्टोरी है वो। तो इवेंट ड्रिवन पे कोई एतराज़ नहीं है, इंपेरेटिव पे भी कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, फंक्शनल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसके अंदर ना थोड़ा सा है मसला। अच्छा, लेकिन अगर आप इवन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर भी रहे होते हैं ना, तो फंक्शन तो फिर भी बनाने ही पड़ते हैं आपको, फंक्शन सब जान नहीं छूटती, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्या हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ज़रूरत पड़ने वाली है कोई। इसका जवाब है नहीं। नहीं इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो कम्युनिटी है उसको पसंद है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, तो वो ऐसी लाइब्रेरीज़ को ऊपर आने ही नहीं देते जो फंक्शनल को सपोर्ट ना करें। वो कार्टेल बना हुआ है इनका, आपस में गठजोड़ है, तो वो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट ही नहीं करते जो फंक्शनल पे उनके दिमाग में फिट ना बैठे। मिसाल के तौर पे जो रिएक्ट करके फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, जब ये रिएक्ट 2016 में लॉन्च हुआ था ना, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था। अच्छा, तो वो तो देखो, जो एक होता है ना कि 4-5 लोग मिलके एक बात सोच रहे हैं और 1,000 लोग मिलके सोच रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर कौन सोचेगा? 1,000 लोग मिलके जो सोचेंगे ना, वो ज़्यादा बेहतर होगा। 1,000 लोगों की कंसेंसस से जो बात डिसीजन हो रहा है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और बाबू मतलब उसके उस पे के जो 1,000 लोग हैं, वो सारे डेवलपर्स ही तो हैं जो ये सोच रहे हैं और जो ये बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो किसी दूसरे, जैसे हमारे तो इलेक्शन होते हैं ना, तो इलेक्शन में जी वो टीचर से लेके और सिंगर से लेके और सारे ही होते हैं, तो उसमें तो वो वाला तो मामला अलग हो जाता है। लेकिन ये गिटहब के ऊपर तो और कोई जाता ही नहीं है ना डेवलपर्स के अलावा, गिटहब के ऊपर कोई सिंगर थोड़ी जाता है। तो ये जो कंसेंसस है, जो 5,000 लोगों की या 10,000 लोगों की जो कम्युनिटी है, वैसे तो लाखों की तादाद में, 5-10,000 नहीं है, तो उनका जो कंसेंसस है ना, वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन होगा। लेकिन रिएक्ट बनाई थी फेसबुक वालों ने, तो वहाँ तो चलती थी सेट की बात, कंपनी के अंदर, एंटरप्राइज़ के अंदर तो सेट की बात मानी जाती है ना। तो सेट ने बोला कि यार इसको बनाओगे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे, एम्प्लॉय सारे चुप, बना दिया उन्होंने। अच्छा, फिर जब 2016 में उन्होंने पब्लिक किया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको नज़र आई कि अच्छा जी इस पॉइंट पे हम इसको पब्लिक कर सकते हैं, तो जब उन्होंने पब्लिक किया ना उसको, रिएक्ट को, कि जी अच्छा जी अब हम ओपन सोर्स कर रहे हैं और हम पूरी दुनिया के लिए इसको ओपन कर रहे हैं कि आप लोग भी यूज़ करो, तो पॉपुलर तो वो बहुत हुई, क्योंकि वो मौका ऐसा था, अदरवाइज़ तो वो उसको सपोर्ट कभी भी नहीं करते। अदरवाइज मौका ऐसा था कि जो फ्रंट एंड के 1-2 फ्रेमवर्क्स थे ना, तो उनसे बड़ा धोखा मिला था कम्युनिटी को, गूगल से ख़ास तौर पर, तो इस वजह से मजबूरी के तौर पर इसको अडॉप्ट किया था लोगों ने। लेकिन थोड़े ही दिनों में उसके फोर्क लेना शुरू कर दिए लोगों ने, क्योंकि ओपन सोर्स में तो होता ना कि फोर्क लो उस कोड का और मॉडिफाई करके अपने हिसाब से उसको चला लो। तो फोर्क लेना शुरू किए, उसमें फंक्शनल कंपोनेंट्स ऐड करना शुरू किए, और आज जावा, ये जो रिएक्ट का जो फ्रेमवर्क है, ये 100% फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। और हम जो यहाँ पे भी पढ़ेंगे, वो हम थोड़ा सा 1-2 क्लासेस हम करेंगे रिएक्ट की, तो हम वो फंक्शनल कंपोनेंट्स वाले रिएक्ट पढ़ेंगे।
और अभी जो नेक्स्ट जेएस वगैरह जितने भी फ्रंट एंड है वो सारे फंक्शनल के ऊपर काम करते हैं। इवन अब तो पूरे सर्वर को भी ये फंक्शनल पे लेकर आ रहे हैं। तो चक्कर ये है कि भाई हम तो जो इंडस्ट्री जिस तरफ जाएगी हम भी उधर ही जाएंगे। तो अभी इस वक्त जावास्क्रिप्ट के अंदर दूर दूर तक कोई ऐसा चांस नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ये कुछ घास डालेंगे। कम्युनिटी कम्युनिटी का चक्कर है। अच्छा, ऑन अदर एंड जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज जैसे स्विफ्ट है वो पहले दिन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और वो उसी पे चलती है, उसकी कम्युनिटी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सही सपोर्ट करती है, समझती है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ना कम्युनिटी का जो झुकाव है वो फंक्शनल की तरफ है। अच्छा, मुझे भी पर्सनली फंक्शनल प्रोग्रामिंग बड़ी पसंद है क्योंकि मैंने भी जो प्रोग्रामिंग शुरू की थी वो सी लैंग्वेज से की थी, तो उसमें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्टेड ही नहीं है, उसमें तो है ही सिर्फ फंक्शनल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप कर ही नहीं सकते, वो तो बाद में सी प्लस प्लस में इन्होंने सपोर्ट दी थी, वो भी ज़रा बड़ी देर में दी थी। तो और जावास्क्रिप्ट में भी वही है। अच्छा, अब चक्कर ये है कि इसमें मेन डिफरेंस हमारे पर्सपेक्टिव से ना एज अ डेवलपर, हमारे पर्सपेक्टिव से मेन डिफरेंस क्या है, हमारे पर्सपेक्टिव से मेन डिफरेंस ये है कि हम तो आम तौर पे ना जो हम कोई ना कोई अभी तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं ना सीधी सीधी, हमारे पर्सपेक्टिव से इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो या क्या हो। हमें तो बने बनाए फंक्शंस मिलते हैं, हम उसको कॉल करते हैं और एंड यूज़र एप्लीकेशन बनाते हैं। तो कम्युनिटी अगर फंक्शनल को सपोर्ट करेगी तो हमें जो डॉक्यूमेंट मिलेगा उसमें फंक्शनल हिसाब से लिखा हुआ होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करेगी तो डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो हमें अगर डॉक्यूमेंट वंस पढ़ना आ गया ना तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो क्या है पीछे, पीछे क्या है हमें मैटर नहीं करता। अच्छा, ये जो इंपेरेटिव है इसके बारे में भी थोड़ा बता दूँ। इवेंट तो मैंने बता दिया कि क्लिक वाला जो होता है, फंक्शनल बता दिया कि हर चीज़ का फंक्शन होगा, क्लिक के पीछे फंक्शन, स्क्रॉल के पीछे फंक्शन, कहीं पेज नेक्स्ट करेंगे तो उसके पीछे फंक्शन, तो हर हर क्लिक पे एक फंक्शन होगा, वो फंक्शनल हो गया। अच्छा, इंपेरेटिव जो है वो क्या है कि जी हर लाइन एक मुकम्मल स्टेटमेंट होगी, है ना, और लाइन टर्मिनेटर होगा लास्ट में उसके, जो सेमी कॉलन है। हम सेमी कॉलन जावास्क्रिप्ट में ऑप्शनल है बाय द वे, लेकिन वो इसी इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर अगर मुझे एक ही लाइन में पूरा प्रोग्राम लिखना है तो मैं सेमी कॉलन से सेपरेट करके एक ही लाइन में पूरा प्रोग्राम भी लिख सकता हूँ। तो ये इन्होंने जो बात लिखी है ना यहाँ पे कि इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूजेस स्टेटमेंट दैट चेंजेस अ प्रोग्राम स्टेट इन मच सेम वे द इंपेरेटिव मोड इन अ नेचुरल लैंग्वेज एक्सप्रेसेस द कमांड आर इंपेरेटिव। वो कह रहा है जैसे इंसान बात करता है ना कि एक बात बोलता है तो एक जुमला होता है, दूसरी बात बोलता है दूसरा जुमला होता है, तो इस तरह जुमले जुमले करके हो, सीधे सीधे हो, क्लियर क्लियर हो, और एक स्टेट दूसरे स्टेट तीसरी स्टेट कंट्रोल ऊपर से नीचे की तरफ मूव करे। तो ये एक ज़रा काइंड ऑफ कोई कोडिंग से इसका खास ज़्यादा गहरा रिलेशन नहीं है, इसका रैदर इसका ना ज़रा कि किस तरह से वो पीछे चल रहा होगा उससे ताल्लुक है। तो इंपेरेटिव को तो खैर हमें बिल्कुल भी दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रोसीजरल जो है वो भी कुछ इसी तरह की चीज़ है कि जी वो एक तो फंक्शन होते हैं एक प्रोसीजर होते हैं। अब ये भी अगेन ज़रा सा लंबी होगी हो जाएगी डिटेल। तो वो एक फंक्शन होते हैं एक प्रोसीजर होते हैं। फंक्शन क्या होता है, वैल्यू रिटर्न करता है, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता, प्रोसीजर बस चलता है और ख़त्म हो जाता है। तो वो प्रोसीजर उस तरह के भी सपोर्टेड हों, यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर ना उस तरह के प्रोसीजर्स भी सपोर्टेड हैं। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा देखा कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ना ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है दिस इज़ डेटा टाइप, ये एक डेटा टाइप है, ये एक वेरिएबल है। जो वो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है ना उस वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है, लिखने का एक अंदाज है, लेकिन अब वो अंदाज हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा जी, तो ये हो गया। हमने देखा कि जी ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम वो सारे डेटा टाइप रख सकते हैं जो एक एरे में रखे जा सकते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है, जस्ट एरे लाइक जो है ना वो कलेक्टिव डेटा टाइप, दैट्स इट। अरे यार थैंक यू सो मच, ये आपने बंद किया, बड़ा शोर कर रहा था ये। अच्छा जी, ये हमें समझ आ गया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है यार, ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक यहाँ। ऑब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट हमने बनाई है ना, जिसमें हम मसला हमने आर्ट्स या हिस्ट्री कैच करनी है तो हाँ ये बता देता हूँ।
अच्छा जैसे स्टूडेंट वन ही आप पे प्रिंट किया है, तो आप कह रहे हैं कि जी मैंने क्या करना है, स्टूडेंट वन के अंदर सब्जेक्ट्स और फिर उसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ज़ीरो, तो इससे ये साइंस पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसके आगे लगा दूंगा अगर वन तो हिस्ट्री पकड़ में आ जाएगा, इसके आगे लगा दूंगा मैं टू तो इससे आर्ट्स पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, साइंस हिस्ट्री आर्ट्स पकड़ में आ गया। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट के आगे एक ऑब्जेक्ट होता तो मैं 012 की जगह वो उसका की का नाम लिख देता, दैट्स इट। अच्छा, इसमें मैं अभी गौर कर रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मैंने मिस की हो। अच्छा, एक चीज़ और कि जो की है ना, की को स्ट्रिंग में भी रख सकते हैं, ये इस तरह भी रख सकता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, की को मैं स्ट्रिंग में भी रख सकता हूँ। अच्छा, की का जो है ना स्ट्रिंग होना ज़रूरी है असल में जो। अच्छा, मैं आपको मज़ीद एक दो बातें बताऊँ जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना उसके बारे में। जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है ना, ये बहुत पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है कि जितनी भी इस वक्त मेन स्ट्रीम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब में जो है वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की सपोर्ट मौजूद है। जितनी भी मेन स्ट्रीम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सब में जावास्क्रिप्ट की सपोर्ट मौजूद है इस ऑब्जेक्ट की। अच्छा, इसको कहते हैं प्यार से जेसॉन। सही है, जेसॉन का आपने नाम सुना होगा। अच्छा, जेसॉन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को लिखने का जो अंदाज़ है, ऑब्जेक्ट को लिखने का जो तरीका है, दैट इज़ कॉल्ड जेसन। तो इस अंदाज से जो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा ना कहीं पे भी अगर, तो वो सपोर्टेड होता है। ठीक है, अच्छा वो अंदाज़ क्या, वो ऑब्जेक्ट ही हो गया, जब पूरा इसी तरह लिख दिया तो ऑब्जेक्ट ही हो गया ना, नोटेशन की तो जस्ट वो उसने ऐसी ही बात लिखी हुई है। तो अच्छा, तो क्या चक्कर है इसकी सपोर्ट का, मिसाल के तौर पर जब सर्वर बनाते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, सही है, सर्वर जो सबसे फास्ट सर्वर है इस वक्त वेब के, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर बने हुए हैं, यानी ख़ास तौर पे वेब एप्लीकेशंस के केस में। तो वैसे और भी लैंग्वेजेस में बनते हैं सर्वर, PHP में भी बनते हैं, C# में भी बनते हैं, जावा में भी सर्वर लिखे जाते हैं, लेकिन Node.js का जो सर्वर है, क्या कहते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट का सर्वर है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है Node.js का सर्वर, तो वो जब कम्युनिकेट करता है ना तो वो जेसॉन में कम्युनिकेट करता है। अच्छा, और Node.js का सर्वर क्योंकि लाइट वेट है और फास्ट है और इजी टू डिप्लॉय है, तो ये बहुत पॉपुलर है इस वक्त। अच्छा, और आमतौर पे क्या होता है कि जी सर्वर वो वेब के साथ जो बनता है वही मोबाइल ऐप में भी यूज़ होता है, तो आमतौर पे जब आप मोबाइल ऐप में भी कोई बटन दबाते हैं और रिक्वेस्ट जब जाती है ना तो वो किसी जावास्क्रिप्ट के सर्वर पे जाती है और वहाँ से वापस आता है ये ऑब्जेक्ट, जवाब में उसके आता है ऑब्जेक्ट जेसन, इसको कहते हैं जेसन APIs या REST APIs कहते हैं। तो अब वो आईफोन की ऐप के अंदर ये ऑब्जेक्ट आ गया तो अब उसमें उसको समझने के लिए उसकी सपोर्ट मौजूद है। अच्छा, कुछ अरसे पहले तक लाइब्रेरी के लेवल पे थी, अब उन्होंने नेटिव सपोर्ट दे दिए। पाइथन में भी किस तरह की चीज़ होती है उसको हम डिक्शनरी कहते हैं, तो जब ये पाइथन में जाता है तो उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब में इसकी सपोर्ट मौजूद है और ये जेसन बहुत फेमस है। जितने भी वेब APIs जो लिखी जा रही हैं वो ज़्यादातर कम्युनिकेशन उसकी जेसन में होती है। अच्छा, ये एक बात हो गई हमारी। तो जो जेसन का जो फॉर्मेट है ना, एक्चुअली जो एक्चुअल फॉर्मेट है उसमें की जो है वो स्ट्रिंग होती है, लेकिन क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हैं तो अगर उसको की ना भी ऐसे लिखे ना तो एरर नहीं देता, ये उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जब मैं जावास्क्रिप्ट से बाहर लिखूंगा ना तो मेरे लिए ज़रूरी होगा कि मैं इसको स्ट्रिंग में लिखूँ। ठीक है, तो क्यों ना जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इसको स्ट्रिंग में लिख लिया जाए। अच्छा, इसको मैं चलाता हूँ अगेन। ठीक है, बिल्कुल सेट चल रहा है ये। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अंदर रहते हुए हमारे लिए ऑप्शनल होता है कि हम की को स्ट्रिंग बनाएं या ना बनाएं, दोनों तो सूरतों में चल जाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट से बाहर अगर मैं यही जेसन लिखूंगा तो मुझे इसको स्ट्रिंग बनाना लाजमी होता है। ठीक है, अच्छा, जावास्क्रिप्ट की जो की है यहाँ पे, इसमें मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? ये तो एक नाम है ना, तो इस नाम के कोई रूल रेगुलेशन, जैसे वेरिएबल के नाम में शुरू में नंबर नहीं आ सकता, देखो एरर दे दिया। सही है, तो इसमें भी शुरू में क्या नंबर आ सकता है? आ गया इसके अंदर शुरू में नंबर। ठीक है, अच्छा, लेकिन जैसे ही मैं स्ट्रिंग को हटाता हूँ तो एरर हो जाता है। सही है, तो लिहाजा स्ट्रिंग मुझे लगा लेना मेरे लिए बेहतर है। ठीक है, स्ट्रिंग को लगा के मैं जब इसको चलाता हूँ,
तो जहाँ पे लास्ट नेम है वहाँ पे मैं क्या करूँगा अब? लास्ट नेम के मैंने शुरू में वन लगाया हुआ है ना, जहाँ जहाँ लास्ट नेम है वहाँ पे मैं क्या करूँगा? वन लगा दूँगा। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है, और ये क्या हुआ? अच्छा, सब्जेक्ट में एस लगा हुआ है तो मैंने वो इसमें एस नहीं लगाया एक्चुअली। ठीक है, जी सब्जेक्ट में एस लगा हुआ था, नीचे भी एच नहीं एच जी भी लगा। नहीं लगाया बाकी जो ठीक है, इंजमाम मलिक सोनू तीनों सही प्रिंट हो गया। तो इसमें डेटा की नहीं है स्ट्रिंग में होता है ये तो फिर हम रिपोर्ट करते हैं ये सॉरी, समझा नहीं मैं बात, मैं बात नहीं समझा आपकी। जेसन में वो कह रहे थे डेटा स्ट्रिंग होता है कि नहीं नहीं, रिपोर्ट स्ट्रिंग नहीं करना होता, ये तो ऑब्जेक्ट होता है पूरा। सर जब जैसे में स्ट्रिंग होता है तो फिर हम लेकर नोट करते हैं रिपोर्ट करके सजेशन रिपोर्ट अच्छा, किस लैंग्वेज में? हाँ, फ्लेटर में। अच्छा, हाँ। नहीं, देखें, जब ये तारों में डेटा ट्रैवल करता है ना, जब यानी दोस्त ने बताया कि जब मैं हम एपीआई फ्लेटर वो काम करते हैं फ्लेटर पे, उन्होंने कहा कि फ्लेटर की मोबाइल ऐप से जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जावास्क्रिप्ट के सर्वर को, तो जावास्क्रिप्ट का सर्वर जब मुझे जवाब देता है तो मेरे पास जो रिस्पॉन्स आता है वो टेक्स्ट में आता है। मतलब यही कुछ होता है, यही इसी तरह की चीज़ होती है, लेकिन वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है वो। और मैं उसको फ्लेटर में आने के बाद उसको मैं डिकोड करता हूँ इसके अंदर। ठीक है, फ्लेटर में कोई तरीका मौजूद होगा, या तो लाइब्रेरी या तो नेटिव। तो मैं आपको ये आपके नॉलेज में इजाफा करूँ कि जब भी डेटा तारों में ट्रैवल करता है वायर्स के थ्रू, तो वो हमेशा 0-1 में ट्रैवल करता है। तो ये इसको पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा ऑब्वियसली, और फिर ये 0-1 में कन्वर्ट होगा, और फिर ये तारों में ट्रैवल करेगा इंशाल्लाह। ये चीज़ हमारी बहुत जल्दी क्लियर होगी जब हम अभी हम एक सेशन करेंगे कि हाउ वेरिएबल सेव इन रैम मेमोरी। तो जब ये वाली डिस्कशन हम करेंगे ना, तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये क्या चक्कर है कि रैम मेमोरी के अंदर जिस तरह सेव होता है, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये सारा कुछ एक्चुअली 0-1 में कन्वर्ट होके सेव होता है, और 0-1 में ही कन्वर्ट होके ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करता है। ठीक है, तो ये जब आपने यहाँ से रिक्वेस्ट की सर्वर को, तो सर्वर तो जावास्क्रिप्ट का था, लेकिन उसने जो डेटा रवाना किया ना वहाँ से, वो जेसन को टेक्स्ट फॉर्मेट में करके और 0-1 में करके रवाना किया। अच्छा, तो आपके पास जब वो पहुँचा तो वो 0-1 की फॉर्मेट में था, लेकिन आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे वो आपको नज़र नहीं आने देती, वो उसको वापस टेक्स्ट में ख़ुद कन्वर्ट कर देती है, और वापस उसको जेसॉन में भी ख़ुद कन्वर्ट कर देती है सम टाइम। लेकिन ये होता है कि टेक्स्ट तक वो ख़ुद करते हैं, आपको जेसन में ख़ुद करना पड़ता है सम टाइम, इस तरह भी होता है। ठीक है, तो तार में डेटा हमेशा 0-1 की फॉर्मेट में ट्रैवल करता है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो स्ट्रिंग हो। अच्छा, और जब वो पूरा स्ट्रिंग में आ रहा होता है, तो आपको कैसे पता लगता है कि ये जेसन है या नॉर्मल स्ट्रिंग है? वो उसके हेडर में लिखा हुआ होता है, वो उसके हेडर में लिखा हुआ होता है कि जो टाइप है इसकी, जो बॉडी की जो टाइप है, जो डेटा की जो टाइप है, वो क्या है? वो एप्लीकेशन स्लैश जेसन उसके अंदर आ रहा होता है कि जी एप्लीकेशन स्लैश जेसन जो है ये डेटा टाइप है इसकी। तो फिर हम क्या करते हैं, हमें पता लग जाता है, अच्छा ये स्ट्रिंग तो है लेकिन ये एप्लीकेशन जेसन स्ट्रिंग है, तो उसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ फिर। अच्छा जी, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम अगला जो पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे क्लोनिंग, एरे और ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग। ES6 भी तो लिख दो इसमें।